नमस्कार, आप सबका स्वागत है। माय होम इंडिया की तरफ से मैं दिव्या शारदा आप सबसे निवेदन करती हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। माय होम इंडिया के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। कई एनजीओ कई तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन माय होम इंडिया एक अनूठा प्रयास कर रही है जो बहुत जरूरी है और जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। आज के दिन माय होम इंडिया का सबसे पहला वन इंडिया अवार्ड दिया जाने वाला है। वन इंडिया, आप इसे ऐसे भी सुन सकते हैं कि यह है एक भारत, वन इंडिया अवार्ड, और आप इसे ऐसे भी देखें कि यह है ONE, यानी आर नॉर्थ ईस्ट। तो ये पहला वन इंडिया अवार्ड आज दिया जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत ही उत्तम रहा, क्योंकि कुछ घंटों पहले ही मुझे पता चला कि आज इंटरनेशनल फैमिली डे है। हालांकि ये पश्चिम के रिवाज हैं, हमारे लिए तो वासुदेव कुटुम्बकम, लेकिन मुझे लगा, उससे मुझे ये ध्यान आया कि माय होम इंडिया का भी यही मिशन है कि भारत को एक परिवार की भावना से जोड़ना। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया सबसे ज्यादा संकट में है, माय होम इंडिया की शुरुआत हमने उसी क्षेत्र से की है। और ये कैसे करते हैं, वन इंडिया अवार्ड क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब आपको कार्यक्रम के दौरान जरूर पता चलेगा। हम शुरुआत करना चाहेंगे तो आप अपने मोबाइल प्लीज साइलेंट पे रख लें। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, आप सबको संक्षिप्त में जानकारी देना चाहेंगे कि माय होम इंडिया क्या कार्य करता है और कहां कहां तक कार्य करना चाहता है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी प्रशांत त्रिपाठी जी को, जो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आप सबको ये बताएंगे। समस्याएं, उनके समाधान और माय होम इंडिया के किए गए प्रयासों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा। अगर हम पूर्वांचल की बात कहें तो पूर्वांचल जैसा इस सर्कल में दिखाई देता है, भारत के एक छोर पे स्थित ये 8 राज्य, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये 8 राज्य अपने आप में एक प्राकृतिक सुंदरता को लिए हुए हैं जो अभी तक हम सारे लोगों को पता नहीं लगती। जैसे ये मेघालय की घाटियां, सुंदर सुंदर घाटियां, तवांग के बर्फीले क्षेत्र, काजीरंगा नेशनल पार्क और ये रूट ब्रिज जो प्राकृतिक लताओं से बना हुआ एक ब्रिज है, जो यहाँ की एक स्पेशलिटी है। काजीरंगा में पाया जाने वाला एक सिंगी गेंडा जो एक विशेष है वहां का, ये कीट भच्ची पिचर प्लांट जो कीटों पर निर्भर रहता है, ऐसी सुंदर सुंदर चीजें वहां हैं। अगर ये चेहरे हम देखते हैं वहां के लोगों के, तो हमारे मन में पहले भाव क्या आता है कि ये कोई चीनी, नेपाली या जापानी लोग हैं। लेकिन इन भावनाओं से, इन बातों से ये लोग बहुत ज्यादा आहित होते हैं, क्योंकि ये स्वयं को भारतवासी मानते हैं। लेकिन हम अज्ञानतावश उनको चीनी, नेपाली ऐसे शब्दों से उनको पुकारते हैं जो उन लोगों को ज्यादा ही आहत करती है। वहां के लोग अपने आप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, सांस्कृतिक धरोहरों को संभाले हुए हैं, चाहे वो नागा नृत्य हो या बिहू का फेस्टिवल हो। पूर्वांचल भारत अपने आप में सुंदर सुंदर पहाड़, झरने, एक उगते हुए सूर्य का प्रदेश जहां सूर्य सबसे पहले उगता है, ऐसा हमारा है पूर्वांचल। वहां पे प्राकृतिक संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में है, चाहे वो यूरेनियम हो, ऑयल हो, कोल है, रबर है, ऐसे सारे संसाधन वहां बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।